नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार, आज यहाँ पे मैं खेड़की गांव आया हूँ जो कि मवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। तो मैं किसान से आपका पहले परिचय करा दूँ। नमस्कार। ये आपने मेरे ख्याल से 3 वेराइटी एक साथ लगा रखी है यहाँ पे। हाँ जी, थोड़ा सा 38 है, थोड़ा 23 है, 35 है। एक बार परिचय करा दो दर्शकों अपना। परिचय, मेरा नाम आदेश जी, गाँव खेड़की, जिला मेरठ। जिला मेरठ से है। वेराइटी बता दो। आदेश खेड़की के नाम से भी जाने लोग वैसे। हाँ जी, ये प्लांटेशन कब की है आपकी? ये मेरी पहली अक्टूबर की है। पहले अक्टूबर, यानी कि पिछले साल असोज के टाइम पे आपने बोया था। और प्लांटेशन जैसे आपने बुआई की, उसमें कौन सी विधि लगाई आपने? ट्रेंच की है मेरी, 5 फीट पे। 5 फीट पे आपने लगाई है। ये सिंगल बड़े कैसे है? सिंगल बड़े सारी। और ये 38 का, इधर ये नर्सरी का मेरा। अच्छा, इधर नर्सरी का आपने बोला। 5 फुट 5 2 पे लगाया मैंने ये खुद से। मैं जो है पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट है, 2 फीट से खूट जो है 5 फीट है। और ये आपकी ये मतलब तीनों आपने एक प्लॉट में लिए हैं, ये क्या कंपेयर करने के हिसाब से लिए, किस हिसाब से लिए आपने? बस कंपेयर क्या, थोड़ा उस टाइम बीज भी कम था, पहले 38 ही लगा देते थे। इसकी हमारे पास में प्योद रखी थी, जैसे गन्ने टूट जा, बंधाई बंधाई में टूट जाए, तो उसके जो है प्योद तैयार करवा ली थी 2 खुडों की, तो इधर ये हो गए थे। अच्छा, पौध लगा, प्री प्लांट, प्री जर्मिनेशन प्लांट आपने वहाँ के उधर लगा, वो जो आपका 18 वेराइटी, ये 15023 होगी आपकी। 15023 है ये, 15023 सिंगल वर्ड। गैप कितना है बीच में? 2 फीट 5 फीट नहीं, सॉरी, पौधे से पौधा 2 फीट। देखो जी, 15023 वेराइटी करनाल वाले की वेराइटी खड़ी है। और ये हल्की सुक्कड़ सी, क्या कैटरे क्या है? पानी वगैरह की कुछ समस्या? पानी की समस्या थोड़ी सी। बारिश वगैरह कम हुई? बारिश को तो होली 10-12 दिन हल्की बारिश हुई थी पहले भी, और पानी तो हम कम ही दे रहे हैं। अच्छा, पोक्का की मार लगी जी हल्की सी इसमें? वो तो जरा मेरा देख पा रहा हूँ मैं, पोक्का की मार लगी इसमें हल्की सी। चलो ये तो निकल जाएगा कहीं नहीं। बाकी गन्ना तो अच्छा बन रहा जी आपका। एक एक उससे कितने गन्ने बन रहे? अंदर आ जाओ आप एक बार। एक में 10-12 भी हैं। एक बार गिनियो, गिनती करियो इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें। चलो जी, 10 गन्ने इसमें हो गए और बन भी ठीक ही रहे जी, साइज भी अच्छा बन के आ रहा, बढ़िया। तो वैरायटी ठीक, इसमें कोई फुटान उटान की दिक्कत तो नहीं आती? पत्ता वगैरह उतार दें तो वैरायटी बिल्कुल साफ चल रही है, लेंथ भी अच्छी है। और साइड में जो खड़ी है जी 38 की वैरायटी भी है इनके यहाँ। ये 38 होगी ना, ये तो मेरे को दिख रही है साफ साफ। लट से गन्ने बड़े, तो 38 से तो कम है इसका साइज, ये बात तो पक्की है। नहीं, 38 तो बीमारियों से खत्म हो गया नहीं, 38 की टक्कर का बीज तो कोई है ही नहीं। कोई है नहीं, अभी कुछ जगह बहुत अच्छा करेंगे किसान इसमें अभी भी। नई जो वैरायटी आ रही भाई, इनका देखो फील्ड में उतरेंगे, क्या पता इनका कैसे निकले। हाँ, वैसे 38 शाही वैरायटी। देखो जितने भी रिकॉर्ड कायम किए अभी तक 38 ने की है, गन्ना अच्छा बन रहा है, बहुत बढ़िया गन्ना बन रहा जी। 23 भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा बिना खर्चे का है ये, बिना खर्चे का। यूरिया नहीं लगाता, कोरोजन फटेरा नहीं लगाता मैं, कोरोजन फटेरा भी भाई नहीं लगाते, लगभग बराबर ही चल रहा जी। 23-20 के समकक्ष निकल गया रहा, बहुत अच्छा हो रहा 23 में, देखो ये। पर दम इसमें है अभी एक अम्मा बराबर में आपके प्री प्लांट जा, दम आपके 38 में ही लग रहा मेरे को ज्यादा अभी भी। हाँ, थोड़ा 38 ओवर है ना, थोड़ा सा साइज में ओवर भी है, वो नर्सरी का प्योद का है ना, उस चीज और, फर्क है। और एक चीज में और देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को इसमें कुछ नहीं दिखा अभी तक भी, बिल्कुल साफ सर। बीमारी तो इसमें भी है, बीमारी क्यों नहीं है रहा? चलो हल्का सी पक्का की मार है इसमें, हल्की नहीं वो, अब तो काफी पड़ जा लिया, कवर हो जाएगा। असोज में थोड़ा सा कम आती है बीमारी, जो असोज जी बुआई करे उसमें बीमारी आती नहीं है। ठीक कह रहे जी, चलो थोड़ा बीमारी के टाइम तक वो ऊपर जा ले, गन्ना ऊपर जा ले फिर कुछ नहीं बिगड़ता, 5-6 फुट के बाद तो अपने आप ऊपर को भागे। सही कह रहे जी आप। अब नेक्स्ट वेरायटी मेरे को और दिखाओ आप एक बार। 35 तो देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार लग रहा है, खेत से बोलते हैं, तीनों वेरायटी एक ही जगह पे मिल गई हमें। और ये 35 की है जी, 35 होगा ना, यही है, दिखाओ जी 35 भी। देखो जी 35 वेरायटी होगी, बहुत शानदार चल रही जी अभी तक, तो मेरे को कोई समस्या देखने इसमें नहीं आई। बढ़वार भी काफ़ी अच्छी है, फुटा वगैरह की बाद में समस्या, अभी तो फिलहाल इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा कुछ विशेष। गन्ने सिंगल बड़ के ही हैं अभी, सिंगल बड़ भी अच्छे से निकल रहे हैं जी। 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी। देखो जिस स्थिति में आपको उसी स्थिति में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हाँ, पोक्का की मार इसमें भी है जी, इसमें ट्रीटमेंट वगैरह दिया कुछ? देखो जी पोक्का की मार है भाई, है जी। देखो थोड़ा बहुत बीमारी तो सभी में आती है। हाँ, थोड़ा बीमारी सब में आती है, क्योंकि जब बिल्कुल ही नॉर्मल है ये। अजी नहीं, कुछ लोग झूठ बोल देना, कोई दवा नहीं चाहती, बिना दवा के तो कुछ भी नहीं हो रहा भैया। अजी बिना दवाई के तो आदमी सुबह को उठता नहीं। देखो बिना दवा का लड़का भी दवाई मांगे वैसे तो। ये मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों, और जो है एक और मेरे को दिखाया कोई गन्ना, ये
ब्लैक स्मट, ये क्या हो जी काला सा ब्लैक स्मट, ये देखो ये भी इसी में है, इसके अंदर आ रहा है गन्ने मेरे को देखने भी। ये आपके 35 में है जी, ये भी है चीज़। बाकी आगे क्या 38 है ना, देखो ये भी मैंने आपको दिखा दिया जो मेरे को दिखा अभी यहाँ पे, और ये 38, ये बाद का है, ये फागण का है आपका, देखो फागण का 38 है और ये सोच का 35 हो गया आपका। थोड़ा सा मैं कंपेयर कर दूँ, लगभग सामान ही चले, थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा नहीं ज्यादा फर्क है, ज्यादा फर्क आ रहा जी। चलो जी फर्क करो क्लियर, सोच के ब्याज कैसे कर देगा इतना 38, इसमें ब्याज कम है। अच्छा इसमें ब्याज कम है, चलो चलो मैं थोड़ा डायरेक्ट गन्ने का लगाया हुआ, थोड़ा मैं भी देख लूँ एक बार। 35 है, सिंगल बड़ है इसमें, चलो गन्ने आपके इसमें अच्छे ब्रांड है पर इसमें गैप बहुत कम है, पर गन्ने तो बहुत ठाड़े बनेंगे क्योंकि पोषण की मिट्टी सब लगी है, जो आपकी क्या बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ जिस मिट्टी में कहीं ज्यादा है वो मिट्टी सब लगी है, फर्क नहीं आता ये जड़ेगा गन्ना वेट में भी लेंथ भी अच्छी, मिट्टी भी हमारी लेट ही लगी है। अच्छा ये तो बुआई में चला जाएगा ना आपका, बुआई में चला जाएगा ना 35, हाँ बीज में दे देंगे, ये बीज में चला जाएगा तो इसके पास 38 के पास तो बहुत टाइम है ना, ये तो समझो मार्च अप्रैल तक गया मामला इसका। अक्टूबर का जो गन्ना है वो 3 महीने नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ जी 3 महीने तो बढ़वार उसकी होती नहीं, वो तो खेत में ऐसे ही खड़ा रहे जी जी जी, बस ये एक बार नीचे से अपना जीवित खड़ा, और उसी पौधे को अगर उसके साथ में लगा रहे 38 को इसके साथ लगाते तब भी यही पोजीशन होती है। 38 की तो पैदावार आप बोलिए ना बढ़वार वगैरह, वो तो सर्दियों के टाइम पे डिस्टर्ब होती है, ताकि जब जगह पाला वगैरह पड़ा है उससे पहले तो वो बढ़ता रहे, अगर गन्ना बढ़ भी नहीं रहा तो वेट तो बढ़ता ही रहता है तब भी उसमें। अक्टूबर को जब सोइंग करेंगे आप पहली अक्टूबर को, हाँ जी, तो 20 दिन में तो जर्मिनेशन होगा बिल्कुल पक्का, इतने नवंबर वाले सर्दी का टाइम आ जा तो सर्दी के टाइम में बढ़वार कहाँ से हो जाएगी, ये बढ़वार सर्दी के टाइम में बहुत छोटा ही खड़ा था। नहीं 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 इसे नहीं कह रहा मैं फागण की बात कर रहा हूँ, मैं फागण के लिए बोल रहा हूँ, इसे तो ये तो बढ़ेगा काफी लंबे टाइम तक, इसे तो बहुत समय मिलेगा तो वेट तो बहुत अच्छा दे के जाएगा क्योंकि भरा पड़ा गन्ना बहुत लग रहा, गन्ना कम नहीं है किसी भी दशा में, तो असोज को फागण को फर्क तो आएगा ना, फागण का असोज का आपका 35 ओवर चल रही है फिलहाल की स्थिति जो है, और ये होगा यहाँ पे 38 आपका। जो असोज का गन्ना है उसकी कटाई भी तो अक्टूबर में हो गया है, उसकी आज अगस्त है, अभी तो 15 अगस्त भी नहीं आई, 15 अगस्त भी नहीं, 2 महीने इसकी बढ़वार के लिए, 2 महीने में पूरा होगा गन्ना, 2 महीने में पूरा हो जाएगा जी। हाँ पर फर्क तो 38 में इसमें थोड़ा कमी है ना, चलो जैसा भी आप उचित समझो कि, तो देखो जी दोनों वेरायटी मैंने यहाँ पे 2 क्या 3